आगे बढ़ेंगे, सपने पूरे होते हैं चाहे मुश्किलें कितनी भी हो, मंजिलें मिल जाती हैं, बस हौसला होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की चाह होनी चाहिए। बाराबंकी की कहानी आपको दिखाते हैं, जो बताएगी आपको कि कैसे छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े सपनों को पूरा किया जाता है, उन्हें कैसे जिया जाता है। वो कहते हैं ना कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, वो कहीं भी पनप सकती है। प्रतिभा केवल संपन्न लोगों के घरों में नहीं बल्कि किसी गरीब की झोपड़ी में भी हो सकती है। ऐसी ही एक असाधारण प्रतिभा सामने आई है जनपद बाराबंकी के एक छोटे से कस्बे से। कारनामा ऐसा कि इस लड़की की प्रतिभा का पूरा देश लोहा मान रहा है और इसे शूटिंग के खेल में भावी भव्य भारत का भविष्य बता रहे हैं। इंटरेस्ट बताओ, मेरे स्कूल वाले ने बहुत कोऑपरेट करा, मेरे प्रिंसिपल ने भी बहुत मेरे साथ कोऑपरेट करा, और फिर सर ने मुझसे बोला कि मैं काफ़ी अच्छा कर सकती हूँ आगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बार स्टेट पे जाना चाहिए। मैं स्टेट के लिए गई और मैंने अच्छा करा, मैंने टीम मेडल लेकर आई हूँ, गोल्ड और सिल्वर। मैं भी टीम की कैप्टन थी, जो तीन लोग थे एक टीम में, और मुझे गोल्ड एंड सिल्वर मेडल मिला। अबाना का शुरू से ही खेलों के प्रति बेहद लगाव था। खेल में उसने शूटिंग को अपना करियर बनाने की ठान कड़ी मशक्कत शुरू कर दी। इसमें सबसे ज्यादा यदि कोई बाधा बन रहा था तो वो था उसका आर्थिक रूप से कमजोर होना, मगर उसकी लगन को देखकर उसके पिता जावेद ने बेटी के अरमानों को पूरा करने का बीड़ा उठा लिया। जहाँ तक हमसे हो पाएगा उतना कोऑपरेट करेंगे हम इसको, और अगर ये आगे जाना चाहती है तो जो भी हमसे हो पाएगा उतना हम पूरा फुली कोऑपरेट करेंगे। किस्मत ने भी अवाना का साथ दिया और देहरादून में उसके आदर्श खिलाड़ी जसपाल राणा ने 11 से 16 अगस्त के बीच पिस्टल की स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कराया, जिसमें देश भर के खिलाड़ी सम्मिलित हुए। अबाना ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले ओपन साइट कैटेगरी में अपना जौहर दिखाते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया, और लोग उसमें शूटिंग के क्षेत्र में भारत का भविष्य बताने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।